क्या ममता बनर्जी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि वो बाहरी भीतरी यानी पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले, पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग, पश्चिम बंगाल की संस्कृति, इस मुद्दे को उठाती रही हैं, और अब ये मुद्दा सामने आया कि राष्ट्रगान बदलने की बात अगर सुब्रमण्यम स्वामी करते हैं तो ये तो ममता बनर्जी को मुफीद है मुद्दा अगर ये सामने आता है तो? देखिए, लगातार हम देख रहा है कई सालों से कि बीजेपी एक मुंह बोली बात करती है। जैसे लेके आप नेताजी सुभाष जी को लेके आप मान लीजिए, कब से कह रहे हैं कि हम सब फाइल खोलेंगे, साथ जानेंगे। ममता दी ने सब फाइल खोल दी, आज तक बीजेपी कुछ नहीं किया, लेकिन नेताजी के लिए भी उन लोग वोट मांगते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए बहुत बोलते हैं, मोदी साहब तो कविता भी बांग्ला में बोलते हैं, कभी कभी अच्छा भी बोलते हैं। लेकिन आप देखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ का जो किताब होता है, टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, वहाँ से हटाया जाने के लिए रिकमेंडेशन किया है। आरएसएस का जो शिक्षा सेल का जो होता है, वो बोल रहे हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को पढ़ना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा, अरे कंडेम तो कर लो, कुछ पता है टैगोर के बारे में, काव्य संघ क्या है, किस अखंड भारत रची थी गुरुदेव ने, अब तो पूरा एकदम सत्यानाश कर दिया है। ना गुरुदेव को माना, ना गुरुदेव को जो शिष्य था महात्मा गांधी सबसे बड़ा जो शिष्य था गुरुदेव को, उनको ना माना। आपको पता ही नहीं कि बंगाल की संस्कृति क्या है। लेकिन मनोजीत मंडल जी, भाषण देते हो आपके मुताबिक, सिर्फ भाषण देते हैं, हकीकत में कुछ नहीं करते हैं। ममता बनर्जी हकीकत में सब कुछ कर रहे हैं।